काफी टाइम आप इंडोनेशिया में रहे और नाउ इंडियन टेलीविजन पे आ रहे हैं, सो बताएं अपने शो के बारे में, कितने एक्साइटेड हैं? मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ शो के बारे में. फर्स्ट टाइम जब मुझे गजरा कोटारी जी ने ये स्टोरी सुनाई, आई वाज सो किक्ड अबाउट इट. मैंने सोचा कि बस मुझे यही वाला शो करना है. सो शी टोल्ड मी टू गिव अ लुक टेस्ट फॉर इट एंड आई सेंट द लुक टेस्ट एंड इन वन गो आई वाज फाइनलाइज्ड बाय गॉड्स ग्रेस. और एक्चुअली मैंने स्क्रिप्ट सुने आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम इंडोनेशिया और मुझे कोई भी स्क्रिप्ट इतनी एक्साइटिंग नहीं लग रही थी. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जस्टिस नहीं कर पाऊँगा और मैं लेफ्ट राइट सेंटर शोज मना ही करता जा रहा था एंड आई वाज एट द सेम टाइम टेंस्ड आल्सो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे करना भी है कि नहीं काम. बट थैंकफुली दिस शो केम अप एंड आई वाज रिलीव दैट आई वांटेड टू दिस शो एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट दिस शो. क्योंकि आपको कोई शो करना होता है कहीं मिलना कहीं कई बार नहीं भी मिलता है. सो अगेन द शो इज़ अबाउट रिलेशनशिप्स, बहुत आजकल के ज़माने के रिलेशनशिप्स जिस तरीके के होते हैं, जिस तरीके से कपल्स एक दूसरे के साथ डील करते हैं, काम भी करते हैं और एट द सेम टाइम रिलेशनशिप भी मेंटेन करते हैं, कैसे छोटी मोटी नोक झोंक उनके बीच में होती है, कैसे उनको सॉर्ट आउट करते हैं, किस तरीके से प्यार करते हैं. सो वो सारी चीज़ें हमने इस शो में रखी हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया है. ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है शो का. डायलॉग्स डायलॉग की तरह आपको नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि रियल जैसे आप एक दूसरे से बात करते हैं वैसे आपको वो काइंड ऑफ कंटेंट देखने मिलेगा इंडियन टेलीविजन पे. तो एक शो आता था जिंदगी, तो वो वाला फील स्पेस है इसका, फील गुड वाला स्पेस है. सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं कुछ ऐसे कुछ इस टाइप का शो कर रहा हूँ जहाँ पे इतना अच्छा कंटेंट है, इतने अच्छे पैशनेट लोग हैं जो एक साथ एक अच्छा कंटेंट शो बनाना चाहते हैं. सो आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस इट शुड बी गुड शो. अगर पडवली आपके कैरेक्टर की बात करें तो उसके बारे में क्या बताएंगे? मैं मेरे कैरेक्टर का नाम है कुणाल, ये एक डॉक्टर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और थोड़ा सा लेट बैक इंसान है. लेकिन जो उसकी बीवी है मौली, वो उसे हमेशा पुश करती रहती है काम करने के लिए. और जैसे जैसे मर्द होते हैं थोड़े से रिलैक्स होते हैं एक चीज़ को लेके, काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड है लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में थोड़ा सा जैसे घरों में कैसे जो लड़के कैसे होते हैं ना, टॉवल कहीं भी फेंक दिया, जूते कहीं भी फेंक दिया. सो थोड़ी बहुत छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती है इनके बीच में. ट्रैवल फ्रीक है, अगर ट्रैवल के बारे में अगर कुछ हॉलीडे प्लान करना हो तो इमीडिएटली प्लान करके रख देगा. बहुत रोमांटिक है अपनी बीवी के साथ, बहुत सरप्राइजेस प्लान करता रहता है. और उसकी बीवी है वो गायनेकोलॉजिस्ट है. सो दे बोथ आर डॉक्टर्स. सो हाउ दे जगल देयर लाइव्स एंड दे वर्क टुगेदर एंड देयर इज अनदर कपल हु आर नॉट सो गुड इन देयर रिलेशनशिप्स. सो हाउ दीज टू गाइज टू कपल्स मीट एंड हाउ देयर लाइफ चेंजेस. मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आपने मेरी आशिकी को फॉलो किया, प्लीज़ इसे भी फॉलो कीजिए. ये जितनी हमने मेरी आशिकी में मेहनत की थी उससे डबल मेहनत हम यहाँ पे कर रहे हैं और इतने ब्यूटीफुल कास्ट है, यू नो सारे ऑल गुड लुकिंग फेसेस और एट द सेम टाइम गुड एक्टर्स टू. सो काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है. आई होप एंड आई प्रे कि ये शो अच्छा चले. और मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इसे देखिए, आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत मज़ा आएगा. एंड या सो इट्स गोना कम ऑन कलर्स. द शोज नेम इज सिलसिला, मंडे टू फ्राइडे 10 PM. लोग ये भी कहते हैं कि शायद पहले शादी हो चुकी है वो पुराने पिक्चर है, ये सब तो क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्लैरिफिकेशन की बात नहीं है, मैं यहाँ पर काम करने के लिए हूँ और आई वॉन्ट माई वर्क टू स्पीक नॉट माई पर्सनल लाइफ. सो मैं चाहता हूँ कि मैं ऑडियंस का दिल जीतूँ अपने काम से. मेरी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है इट इज़ माई बिजनेस, यू नो कुछ है ना डायलॉग आजकल, माई बिजनेस इज माई बिजनेस नॉन ऑफ योर बिजनेस. सो हाँ, ऐसे रूमर्स बहुत हैं. रूमर्स तो ये भी मेरे बच्चे भी हो चुके हैं, रूमर्स ये है कि मैं गे हूँ. सो So I care a damn about it. I know what I'm doing in my life and I'm pretty happy and content. So yeah, that's about it. So how's your married life going now? It's rocking. It's very nice. I'm very happy. Or I know her since 8 years. So it's pretty smooth. Thank you so much.